इसको तो सरकार माफ कर रही है। सरकार तो भ्रष्टाचार के चक्कर में ये सारा चल गया है। क्या मतलब मिलना मास्टर प्लान बनाने का? प्लान का क्या मतलब है? इसको छोड़ो और इसको दे दो, इनको राज्य सरकार को भेज दो, इसको मास्टर प्लान दो। Myra Fashions, an exclusive range of designer collection, Swami Complex and Vega Mall, Ajmer. आज सदन के अंदर आपने मास्टर प्लान का एक जो नक्शा था वो फाड़ा, आज ऐसा क्यों किया? देखिए, मास्टर प्लान 2003 के अंदर बना था जो कि 2023 तक लागू होने वाला था। मास्टर प्लान किसी भी शहर के विकास को लेके बनाया जाता है और उसको वो राज्य सरकार द्वारा मान्य होता है। जिस तरह कांग्रेस पार्टी ने ये 21 नवंबर 2019 को एक आदेश पारित किया है, उसके अंदर उन्होंने नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद सभी को आदेशित किया है कि किसी भी तरह का वो नक्शा वो पास नहीं कर सकते हैं। यदि उनको नक्शा पास करना है तो उसके लिए उनको राज्य सरकार को फाइल भेजनी पड़ेगी। आज तक इतने टाइम हो गया, हमेशा सदन के अंदर ही या मतलब नगर निगम के अंदर कमिश्नर और मेयर ऑथेंटिक होते हैं नक्शा पास करने के लिए। एक प्रक्रिया के अंतर्गत वो नक्शा होता है, लेकिन इस सरकार द्वारा एक बड़े लेवल पर भ्रष्टाचार को ध्यान रखकर इस आदेश को पारित किया है, जिससे सारी फाइलें जाएंगी वहाँ पे और मतलब विकास नहीं होगा और एक बड़ा भ्रष्टाचार इस प्रदेश में होगा। हम इसका विरोध कर रहे हैं, इसीलिए मास्टर प्लान को वो नहीं मान रहे, इसलिए उसको फाड़ के हमने सदन में फेंका है और कल हम 11 बजे से 3 बजे तक का धरना देंगे नगर निगम में। तो क्या वो जो आपने मास्टर प्लान जो फाड़ा है वो अभी भी रहेगा या नहीं रहेगा लागू? ये विषय क्योंकि अभी विधानसभा चल रही है, हमारे विधायकों द्वारा इस विषय को हम रखवाएंगे और सरकार से जवाब मांगेंगे कि इस तरह का भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त है वो सरकार। ये पार्षद जेके शर्मा थे जिन्होंने आज सदन के अंदर मास्टर प्लान जो था उसका नक्शा फाड़ा है और इन्होंने अपने साफ तौर पे कहा है कि विधानसभा के पटल पर भाजपा के विधायकों के द्वारा इस मास्टर प्लान के ऊपर आगे निरस्त कराने के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। कैमरा पर्सन राजवीर के साथ सुशील पाल, MTV इंडिया, अजमेर।